महंगाई की मार ने आम जनता को पहले ही निढाल कर रखा है। इस कमर तोड़ महंगाई में महंगाई की नई डोज जुड़ती चली जा रही है। पहले दूध, फिर चाय और अब मैगी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। नेस्ले इंडिया की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक मैगी की कीमतें 9 से 16 फीसदी तक बढ़ाई गई हैं। यानी अब 12 रुपए वाला पैकेट 14 रुपए का होगा, 140 ग्राम वाला पैकेट 3 रुपए महंगा हुआ है, वहीं 96 रुपए वाला पैकेट 105 रुपए का हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले देश की बड़ी FMCG कंपनी HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने चाय के दाम बढ़ाने का ऐलान किया था। कंपनी ने ब्रू कॉफी पाउडर के दाम में 3 से 7 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी थी। वहीं ताजमहल चाय की कीमत में भी 3.7 से 5.8 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इससे पहले डिटर्जेंट पाउडर और साबुन के दाम में भी फरवरी में 2 बार बढ़ाए जा चुके हैं। HUL ने फरवरी में लाइफबॉय, लक्स और पियर्स साबुन के अलावा सिर्फ सर्फ एक्सल, मैटिक, कंफर्ट फैब्रिक्स कंडीशनर और डव बॉडी वॉश जैसे ब्रांडों की स्टॉक कीपिंग यूनिट्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। ब्रोकरेज हाउस एडलवाइज सिक्योरिटीज के मुताबिक HUL के होम और पर्सनल केयर कैटेगरी के दाम में 1 से 9 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा हाल ही में देश में दूध की आपूर्ति करने वाली कंपनियां मदर डेयरी और अमूल ने भी अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी, जिसमें मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा कर दिया। बढ़ोतरी के बाद मदर डेयरी का 57 रुपये लीटर वाला फुल क्रीम दूध 59 रुपये प्रति लीटर का मिल रहा है। ऐसी ही बढ़ोतरी अमूल के प्रोडक्ट में भी देखने को मिली। भले ही लोगों को ये थोड़ी थोड़ी की गई बढ़ोतरी दिखाई ना दे, लेकिन अगर इसी कदर लोगों के द्वारा आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सामान महंगे होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब महंगाई की मार लोगों को चुभने लगेगी।